श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। और फिर आज यही विचार कि आप सभी का दिन बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, इन्हीं विचारों के साथ आपके लिए फिर एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो जुलाई 2021 किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, क्या सावधानियां रखें, किस प्रकार की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना है और किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, उपाय क्या है, इन सभी चीज़ों पर आज मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे जो मकर राशि के दर्शक हैं, आज की जानकारी आपके लिए है। चाहे आपकी नाम से मकर राशि है या आपकी डेट ऑफ बर्थ से मकर राशि है या आपकी मकर लग्न है, इन सभी चीज़ों पर जो आज का उपाय है वो पूरी तरह से सटीक काम करने वाला है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं किन दर्शकों की विशेष रूप से मकर राशि होती है। क्या आपका अगर नाम अक्षर है तो आपकी मकर राशि होगी। आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका नाम भा पे ओ का मात्रा यानी भो से आता है तो आपकी मकर राशि बनती है। जा पे आ का मात्रा से आता है तो आपकी मकर राशि जा से यानी आपका नाम है तो मकर राशि है। खा पे बड़ी की मात्रा खी खू खे खो गा गी, ठीक है, खी खू खे खो गा और गी, ये इतना नाम में आता है तो निश्चित रूप से आपकी मकर राशि है। तो ये तो हो गई आपकी राशि की बात कि आपकी राशि आखिर कौन सी है। अब किस प्रकार व्यतीत होगा आपकी जुलाई का महीना और क्या ग्रह गोचर है, आइए थोड़ा सा प्रकाश हम इस चीज़ पर आज जरूर डालते हैं। तो जो आपका समय व्यतीत, जो ग्रह गोचर रहने वाला है इस महीने, आपका शनि जो आपके राशि स्वामी हैं खुद अपनी राशि में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे और उसके साथ साथ अष्टम भाव में स्टार्टिंग में बुध और राहु का गोचर होगा। 7 तारीख के बाद खैर बुध नवम भाव में चले जाएंगे और 25 तारीख के बाद जो बुध हैं वो दशम भाव में गोचर करने पहुंच जाएंगे। मंगल और शुक्र स्टार्टिंग में दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तारीख 20 को मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में पहुंच जाएगा। तो ये जो ग्रहों का कंडीशन आपके जीवन में रहने वाला है वो इस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं क्षमा चाहूँगा जो मंगल और शुक्र का, मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ को, मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ठीक है। राशि स्वामी शनि खुद के घर में गोचर करेंगे, बृहस्पति सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, राहु और बुध स्टार्टिंग में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद तारीख 7 के बाद बुध आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे और तारीख 25 के बाद बुध आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। शुक्र और मंगल का स्टार्टिंग में जो गोचर रहेगा वो आपके सेवंथ हाउस के अंतर्गत रहेगा। 20 तारीख के बाद जो मंगल का गोचर होगा वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा। 16 तारीख को जो सूर्य हैं, 16 तारीख तक जो सूर्य का गोचर रहने वाला है वो आपके 6th हाउस में रहेगा और 16 तारीख के बाद जो सूर्य का गोचर होगा वो आपके 7th हाउस में रहेगा। तो इस प्रकार की जो ग्रह की परिस्थिति है वो आपके जीवन में रहने वाली है। क्या विशेष परिस्थितियां इस प्रकार के ग्रह गोचर में, क्या विशेष परिस्थिति आपके साथ घटित होगी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा स्वास्थ्य को लेकर के और मान सम्मान को लेकर के। अगर इस माह के प्रारंभ में हम उठा करके देखते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बुध, भाग्येश बुध आपके पंचम भाव में उच्चस्थ राहु के साथ गोचर करने वाले हैं, ये एक अच्छी परिस्थिति है। और लग्न पर उच्चस्थ दृष्टि मंगल की पड़ने वाली, खैर वो नीचस्थ होंगे 7th हाउस के अंतर्गत, लेकिन दशमेश के साथ बैठ करके उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, अपने आपकी राशि पर पड़ेगी और वहाँ शनि जो है वो स्वग्रही होकर के दृष्टि करेंगे, गोचर करेंगे। ये चीज़ दर्शाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए बेहतर जाने वाला है, यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो इस माह निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। क्रोध जरूर अधिक उत्पन्न होगा इस माह में, उसके साथ आपका मान सम्मान इस माह बढ़ने वाला दिख रहा है, यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली दिख रही है, लोगों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से बेहतर होने वाले दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इस माह को हम उठा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहतर है। कार्य क्षेत्र को लेकर के जब हम बात करते हैं, क्योंकि दशमेश शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी अपने घर से दशम भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव दशम भाव से दशम भाव पड़ता है,
तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर हम इसको देखते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है कि कार्य की समस्या इस माह आपके जीवन में नहीं रहेगी। इस माह आपको नए नए काम के ऑफर आपके पास आएंगे, कार्य आगे कैसे बढ़ाया जाए उस चीज़ की बुद्धि आपके पास ज़रूर आएगी, और उसके साथ साथ नौकरी में हैं तो प्रमोशन इत्यादि, या अगर नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके परिवर्तन का जो संयोग है वो निश्चित रूप से आपके साथ बनने वाला है। तो जुलाई का माह दो चीज़ों को लेकर के करीब करीब बेहतर नज़र आ रहा है, एक तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर नज़र आ रहा है, और दूसरा अगर हम बात करें कि आपके कार्य को लेकर के, तो कार्य को लेकर के भी परिस्थितियां करीब करीब बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन अब हम अगर थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करें और थोड़ी सी और आगे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, तो जैसा कि स्पेशली जो ज़रूरत होती है हमारे लिए कि हमारे घर में परिस्थिति किस प्रकार की व्यतीत होगी, पत्नी के साथ या पति के साथ जो जीवन साथी हैं उनके साथ हमारा जो समय है वो किस प्रकार का रहेगा, या जीवन साथी के साथ परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतें हम सभी के साथ जीवन में लगी रहती हैं। तो जो ये परिस्थिति जीवन साथी के साथ वाली नज़र आ रही है वो बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही है। स्पेशली 16 से और 20 के अंदर अगर देखा जाए, जब तक 16 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक, क्योंकि सेवंथ हाउस के अंतर्गत मंगल का जो गोचर रहेगा वो शुक्र के साथ रहने वाला है चंद्रमा के घर में, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत प्रतिकूल दिख रही है। यानी जिन लोगों की नई नई मैरिज तय हुई है, या जिनकी सगाई अभी हुई है, या नई नई शादी हुई है, ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने का संयोग पूरी तरह से दिख रहा है। जीवन साथी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आएगा और अहंकार आएगा, और उस ईगो अहंकार के कारण वैवाहिक जीवन करीब टूटने की कागार पे, जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर इस माह पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी नहीं हैं, खास करके जब 16 तारीख के बाद सूर्य का भी गोचर सेवंथ हाउस के अंतर्गत पहुँच जाएगा और उसके अंदर मंगल 4 दिन साथ में रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो विवाह का टूटने की परिस्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तारीख 20 के बाद जब मंगल का गोचर अष्टम भाव के अंतर्गत आपके पहुंच जाएगा तो परिस्थितियां और ज़्यादा आपके लिए प्रतिकूल होती हुई नज़र आ रही हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस टाइम पर वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएंगे, कोई भूमि इत्यादि यदि लेना है तो भी उसको सावधानी से पेपर चेक करके तब लेंगे। चलिए, कार्यक्रम को बहुत लंबा करने का समय नहीं है। इस माह आपके लिए हरा रंग शुभ होगा, 3 का अंक शुभ होगा, और शुभ दिवस आपके लिए होगा बुधवार का। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, 5 लॉन्ग हरे कपड़े में बांध करके लेकर के जाएं, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। जब भी आप जय श्री राम कहते हैं आपकी हाजिरी सीधे पहुंचती है भगवान राम तक, और हम चाहते हैं कि भगवान राम के चरणों तक आपकी हाजिरी जरूर पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।